हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालविया। एक बार फिर से हम इतिहास की बात करते हैं और हमने पिछले वीडियो में जो चर्चा की थी वह गुप्त साम्राज्य के बारे में की थी। आप अगर मेरे क्रमबद्ध वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो भी आसानी से समझ में आएगा। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरी गुजारिश है कि आप सबसे पहले उन वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि इतिहास, मैं बार बार कहता हूँ, क्रमबद्ध पढ़ने वाला इतिहास ही एक सब्जेक्ट है जिसे आपको एक क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ना चाहिए। चलिए चर्चा करते हैं आज गुप्तोत्तर काल के बारे में, पोस्ट गुप्ताज पीरियड के बारे में। देखिए, गुप्तोत्तर काल, गुप्त साम्राज्य के पतन के पीछे मैंने पिछले वीडियो में बताया था सबसे मुख्य कारण था हूणों का आक्रमण होना। हूण आक्रमण लगातार भारत पर होते रहे, इस वजह से गुप्त साम्राज्य एक बहुत शानदार साम्राज्य था। यूं कहें तो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल था, वह एकदम से धराशायी हो गया। और उसके बाद में भारत में कैसी स्थितियां पनपी, कैसी स्थितियां बनी, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि गुप्त साम्राज्य के पश्चात भारत में क्या हुआ, उस पर हम एक सरसरी नजर से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस अखंड आर्यावर्त के अंतर्गत अगर मैं बात करूं गुप्तोत्तर काल के बारे में, तो गुप्त साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। हालांकि उसको हम आकार में तो नहीं बता सकते कि क्योंकि समय समय पर उसका आकार भी बदलता रहा और कुछ विवादास्पद भी मुद्दे हैं, इतिहासकारों द्वारा उसे विवाद का विषय बना दिया गया है, इसलिए हम ज्यादा तो चर्चा नहीं कर पाएंगे कि उनका साम्राज्य कहाँ था और कहाँ कहाँ फैला हुआ था। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात में, अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त के पश्चात में भारत में क्या परिस्थितियां पनपी वो देख लीजिएगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात में अगर देखने जाएं तो वर्तमान हरियाणा और उत्तराखंड वाले इलाके में पुष्यभूति वंश था। पुष्यभूति वंश, जिसकी राजधानी थी स्थानेश्वर। देखिए, ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तरफ साम्राज्य दे दिए जाते हैं, दूसरी ओर उनकी राजधानियां। तो ऐसे मैप के जरिए आपको समझना चाहिए, इतिहास की दो आंखें हैं, डेट और मैप, जो हमेशा आपके जहन के अंदर, मस्तिष्क में होने चाहिए। एक और वंश था इनके पड़ोस में जिनका नाम था मोखरी वंश। मोखरी वंश की राजधानी थी कन्नौज, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। एक और वंश था बंगाल क्षेत्र में, जिसे हम गौंड वंश कहते हैं। गौंड वंश की प्रारंभिक राजधानी थी उदयंतपुरी। एक और वंश था यहां पर कश्मीर में, तीन वंश हुए थे, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहर वंश। कारकोट, उत्पल एंड लोहर वंश। समय समय पर इनकी राजधानियां बदलती रही। वर्तमान श्रीनगर वाला इलाका भी इनकी राजधानी कहलाता है। और इधर गुजरात क्षेत्र में देखा जाए तो यहां पर एक वंश था जिसका नाम था मैत्रक वंश। मैत्रक वंश की राजधानी थी वल्लभी, जिसे वर्तमान में गुजरात का पाटन इलाका कहते हैं। ये यहां पर साम्राज्य था मैत्रक वंश का। दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में दो वंश थे, एक पश्चिमी चालुक्य जिसकी राजधानी थी प्रारंभ में वातापी, बाद में राजधानी बनाई थी इन्होंने बादामी, और एक वंश था पूर्वी चालुक्य जिनकी प्रारंभिक राजधानी थी वैंगी। और दक्कन भारत में अगर चले जाएं तो एक वंश था जिसका नाम था चोल वंश। चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी ओरायूर,
और बाद में इन्होंने राजधानी बनाई थी गंगईकोंड चोलपुरम, ठीक है, उसके बाद में महाबलीपुरम भी इनकी कुछ हद तक राजधानी रही थी। एक वंश था कर्नाटक क्षेत्र में जिसकी जो वंश का नाम था पांड्य वंश, पांड्य वंश की राजधानी थी मदुराई, आपने नाम काफी सुना होगा मदुराई। और दक्षिण में, सॉरी पांड्य वंश नहीं, पल्लव वंश, कर्नाटक क्षेत्र में पल्लव वंश था जिसकी राजधानी थी कांचीपुरम। और यहां पर एक और वंश था दक्षिण केरल क्षेत्र में और कुछ हद तक तमिलनाडु वाला इलाका, और वो था पांड्य वंश जिसकी राजधानी थी मदुरई। इस तरह से भारत बटा हुआ था अलग अलग इलाकों में, एक बार इसको देख लीजिए, कभी भी ये वंश और उनकी राजधानियों से मिलान करने से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए इस मैप के जरिए आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे वाला गुप्तोत्तर इतिहास में आपको उत्तर भारत का एक बार समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर जो ये वंश है, पुष्यभूति वंश जिसकी राजधानी थी स्थानेश्वर, मोखरी वंश जिसकी राजधानी थी कन्नौज, और गौंड वंश जिसकी राजधानी थी उदयंतपुरी, कारकोट, उत्पल और लोहर वंश समय समय पर इनकी राजधानी बदलती रही, मैत्रक वंश राजधानी थी वल्लभी, पश्चिमी चालुक्यों की राजधानी थी वातापी और पूर्वी चालुक्यों की राजधानी थी वेंगी, चोल राज्य की राजधानी थी उरायूर और पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम और पांड्य वंश की राजधानी थी मदुराई। ठीक है, गुप्तोत्तर काल में अगर उत्तर भारत की मैं बात करूं तो हम विशेष तौर से पुष्यभूति, मोखरी वंश और गोंड वंश पर जिक्र करेंगे, और गोंड वंश और मोखरी वंश और पुष्यभूति वंश की चर्चा करेंगे। इसमें सबसे प्रमुख उत्तर भारत में जो वंश था वह पुष्यभूति वंश था। पुष्यभूति वंश जिसकी राजधानी थी स्थानेश्वर, इसी पुष्यभूति वंश का पहला सम्राट था, पहला शासक था वह स्वयं पुष्यभूति था। पुष्यभूति के बाद में आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन के बाद में नरवर्धन, नरवर्धन के बाद में राज्यवर्धन प्रथम, राज्यवर्धन प्रथम के बाद में प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन के तीन संतानें थी, एक का नाम था राज्यवर्धन द्वितीय, एक संतान का नाम था राज्यश्री और एक संतान का नाम था हर्षवर्धन। ये नाम आपने काफी सुना होगा हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन जो सम्राट बने हैं वह पुष्यभूति वंश क्रम में आते हैं। देखिए पुष्यभूति वंश जो वर्तमान में हरियाणा और उत्तराखंड वाले इलाके में था, दिल्ली के आसपास सटा हुआ इलाका था प्रारंभ में, राजधानी थी स्थानेश्वर। इस पुष्यभूति वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष या संस्थापक जो था वह स्वयं पुष्यभूति था। इस साम्राज्य को, इस वंश का दूसरा नाम वर्धन वंश भी आप कह सकते हैं। इस पुष्यभूति वंश के पांचवें शासक थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन का एक बेटा था जिसका नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन जब पुष्यभूति वंश का सम्राट था तब उसने अपनी बेटी, सॉरी अपनी बहन राज्यश्री का विवाह कन्नौज क्षेत्र के मोखरी शासक ग्रहवर्मन द्वितीय से करवाया। यहां पर इस मुद्दे को ध्यान से सुनिएगा, राज्यवर्धन द्वितीय ने अपनी बहन राज्यश्री का विवाह ग्रहवर्मन से करवाया जो कि कन्नौज का मोखरी वंश का शासक था। दोनों पड़ोसी रियासतें थी
और रियासतों में पड़ोस में वैवाहिक रिश्ते राजनीतिक समझौते के तौर पर होते हैं, ठीक है। यानी पुष्यभूति वंश के राजा ने पड़ोस के राजा को अपनी बहन दी, यहां तक क्लियर। अब हुआ यूं कि यहां पर गोंड साम्राज्य था, कुछ देर पहले मैंने आपको वीडियो में बताया भी है। गोंड साम्राज्य का एक राजा था जिसका नाम था शशांक, गोंड साम्राज्य का शासक था शशांक। उस शशांक ने राज्यवर्धन और गृहवर्मन दोनों की हत्या कर दी। पुष्यभूति वंश के सम्राट राज्यवर्धन को और पड़ोसी रियासत के कन्नौज के मोखरी शासक गृहवर्मन को, दोनों को अपनी राजधानी में बुलाकर उन्हें मार दिया। अब मुझे आप बताइए कि पुष्यभूति वंश की जिम्मेदारी और मोखरी वंश की जिम्मेदारी किस पर आई? हर्षवर्धन पर। दरअसल हुआ यूं था कि जब गृहवर्मन की हत्या हुई थी तो शशांक गोंड ने राज्यश्री को बंदी बना लिया था और बंदी बनाकर उसने वर्तमान मालवा क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में है वहां पर अमरकंटका की पहाड़ियों में गिरफ्तार करके वहां कारागृह में डाल दिया और वहां राज्यश्री उस कारागृह से भाग निकली और अपने पति गृहवर्मन के पीछे सती होना चाहती थी। तो ऐसे वक्त में जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की बनती है और वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन पर अब दो परिवारों का भार आ चुका था, एक मोखरी वंश का भार और दूसरा अपने वंश वर्धन वंश का भार। इस तरह से हर्षवर्धन अपने साम्राज्य की बागडोर संभालते हैं। हर्षवर्धन जिनका समय है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी, हर्षवर्धन प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट कहलाते हैं। शब्द को समझिए, प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट, यानी इसके बाद में प्राचीन भारत का अंत हो रहा है। 647 ईस्वी के बाद भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसका अंत माना जाता है। दूसरी, इसके बाद में ये अंतिम हिंदू सम्राट है, यानी इनके बाद में भारत में दूसरे साम्राज्य आएंगे जो मुस्लिम साम्राज्य होंगे, यानी दिल्ली सल्तनत का काल शुरू होगा, मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत होगी, ठीक है। एक बात अभी अभी मैंने चर्चा की थी आपसे कि भाई की हत्या हुई थी, हर्षवर्धन के बड़े भाई, और बहनोई की हत्या हुई थी क्योंकि राज्यश्री हर्षवर्धन की बहन थी और उसके पति गृहवर्मन की भी हत्या हुई थी, और हत्या करने वाला कोई और नहीं पड़ोसी रियासत का शासक शशांक। अब मुझे एक बात समझनी है आपसे, आप सोचिए कि इस कंडीशन में अगर शशांक को हर्षवर्धन मार देते हैं तो पूरे उत्तर भारत के सम्राट कौन होंगे? हर्षवर्धन। समझ गए बात को? तो हुआ यूं कि बहन राज्यश्री जो अपने पति के पीछे सती होना चाहती थी तो हर्षवर्धन विंध्याचल की पहाड़ियों में गए और अपनी बहन को सती होने से बचाया। उस समय राज्यश्री चिता तैयार करके बैठी थी और चिता में बैठने ही वाली थी, जितने में हर्ष वहां पहुंच गए और अपनी बहन को समझा बुझाकर अपने राज्य ले आए, कन्नौज ले आए, ठीक है। उसके साथ साथ हर्षवर्धन ने अपने सेनापति भंडी को भेजा शशांक को मारने के लिए, और भंडी ने
शशांक को मार दिया, इस तरह से पूरे उत्तर भारत का सम्राट बन गया हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है कन्नौज बनाई। प्रारंभ में हर्ष की राजधानी कौन सी थी? स्थानेश्वर। उसके बाद में इनकी राजधानी कौन सी बनी? कन्नौज। यानी यूं समझ लीजिए 606 से 647 ईस्वी के मध्य भारत की राजधानी यानी भारत की दिल्ली कन्नौज हुआ करती थी। ठीक है, हर्षवर्धन एक शांति प्रिय सम्राट थे। उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ दो ही युद्ध लड़े थे, एक शशांक को मारना और दूसरा उन्होंने एक युद्ध लड़ा था नर्मदा नदी का युद्ध। नर्मदा नदी के किनारे उन्होंने एक युद्ध और लड़ा था लगभग 630 ईस्वी के आसपास, और वो लड़ा था उन्होंने पड़ोसी रियासत, जो दक्षिण में मैंने बताया था ना, हर्ष के दक्षिण में एक रियासत थी, चालुक्य वंशी सम्राट, पश्चिमी चालुक्य वंशी सम्राट। मैंने कुछ देर पहले टॉपिक के स्टार्ट में बताया था कि किस किस कौन कौन कहां कहां साम्राज्य था। पश्चिमी चालुक्य वंशी सम्राट था पुलकेशिन। पुलकेशिन द्वितीय के खिलाफ युद्ध लड़ा था और कहते हैं कि इस युद्ध में एक तरफ हर्षवर्धन और दूसरी तरफ पुलकेशिन, दोनों पक्ष बताते हैं, दोनों पक्षों के एविडेंस बताते हैं, प्रमाण बताते हैं कि उसमें उनकी जीत हुई। यानी पुलकेशिन द्वितीय का जो प्रमाण है वो कहता है कि इस युद्ध में पुलकेशिन जीता, और हर्ष के पक्ष का जो प्रमाण है वो कहता है कि हर्ष जीता। यानी ये युद्ध अभी भी विवादास्पद बना हुआ है। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि हर्ष और पुलकेशिन की लड़ाई में कौन जीता, लेकिन हर्ष और पुलकेशिन के मध्य एक युद्ध हुआ था। हर्ष का दरबारी लेखक बाण भट्ट कहता है कि इस युद्ध में हर्षवर्धन जीता, और पुलकेशिन द्वितीय का जो प्रमाण है ऐहोल प्रशस्ति, उसमें लिखा हुआ है कि इस युद्ध में पुलकेशिन जीता। ठीक है, खैर ये तो हो गए राजनीतिक घटनाक्रमों की बात, लेकिन हर्ष का जब भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो उसके राजनीतिक घटनाक्रमों से रिलेटेड सवाल नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है उनके सांस्कृतिक घटनाक्रमों से रिलेटेड। बता देता हूं, हर्ष एक साहित्य सम्राट थे, साहित्य में उन्हें काफी रुचि थी, स्वयं एक अच्छे लेखक थे, कवियों के आश्रयदाता थे, उनके दरबार में बहुत सारे कवि रहते थे, जैसे कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं, मयूर भट्ट, ब्रित भट्ट, महाकवि बाण भट्ट, ये कुछ दरबारी थे हर्ष के जो उनके दरबार में शोभा पाते थे। बाण भट्ट की बहुत सारी पुस्तकें आपने पढ़ी भी होगी और एग्जाम में आई भी हैं कई बार। आपने दो पुस्तकें बाण भट्ट की अक्सर गाइड बुक में पढ़ी होगी, एक हर्ष चरितम और दूसरी है कादंबरी। ये दो पुस्तकें अक्सर आपने पढ़ी होगी, लेकिन इसके अलावा दो पुस्तकें और भी हैं, काव्य चातुर्य और एक पुस्तक है, काव्य चातुर्य के अलावा चंडी शतक। देखिए ये दो पुस्तकें तो अक्सर आपको मिल जाती हैं, लेकिन एग्जामिनेशन बोर्ड कई बार ऐसे सवाल उलझाता है और उलझा भी रखे हैं। सीधा पूछ लेते हैं कि निम्न में से बाण भट्ट की पुस्तक कौन सी नहीं है, तो ये दो तो जनरली ऑप्शंस में होती है, हम पहचान जाते हैं, लेकिन दो के कंफ्यूजन में रह जाते हैं। तो दो पुस्तकें ध्यान दीजिएगा, काव्य चातुर्य भी है और चंडी शतक भी हर्षवर्धन के दरबारी लेखक बाण भट्ट की पुस्तक है। ठीक है, इसके अलावा हर्ष भी स्वयं अच्छे लेखक थे, हर्षवर्धन की भी कुछ पुस्तकें हैं,
प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं। तो इन पुस्तकों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक चीज आपको और पूछी जा सकती है, वो मैं यहां मेंशन कर लेता हूं। हर्ष के समय वेन शांक नाम का एक चीनी यात्री भारत यात्रा पर आया था। वास्तव में मेरी नजर में ये चीनी यात्री नहीं है, एक चीनी छात्र था जो भारत में पढ़ने के लिए आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए आया था। वेन शांक के समय यह चीनी, जिसकी कुछ पुस्तकें हैं वो भी देख लीजिएगा। एक है सीयू की और दूसरी पुस्तक है वी ली। ये वी ली जीवनी है और सीयू की उसका यात्रा वृतांत है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको यहां समझ में आ गया होगा कि हर्ष का जो मुद्दा एग्जाम में पूछा जाता है वह कहीं ना कहीं कल्चरल रहता है, लेकिन हम क्या पॉलिटिकल मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे ज्यादा पढ़ने में माहिर होते हैं और उसमें हमें काफी रुचि भी होती है। तो जैसा एग्जामिनेशन बोर्ड सोचता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें सोचना चाहिए, ठीक है। हर्षवर्धन के समय जो वेन शांक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था, काफी लंबे समय तक नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और उसके बाद में यहां प्रोफेसर भी रहा। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म का जो धर्म सम्मेलन हुआ था कन्नौज में, उसकी अध्यक्षता कहते हैं कि हर्ष ने उस महाधर्म सम्मेलन में अध्यक्ष बनाया था वेन शांक को। एक तरफ ब्राह्मण पंडित करीब 500 थे और दूसरी तरफ 600 बौद्ध भिक्षु थे, उनके बीच में एक महाधर्म सम्मेलन का आपसी वार्तालाप हुआ था और यूं समझ लीजिए डिबेट हुई थी, वाद विवाद हुआ था और उसमें बौद्ध धर्म के अनुयायी भिक्षु जीत गए थे और ब्राह्मणों को काफी गुस्सा भी आया था, तो हर्ष ने ब्राह्मणों को देश निकाला देने का आदेश दे दिया था। तो हर्ष के ऊपर थोड़ा सा ब्राह्मणवाद का कलंक भी लगता है। बौद्ध धर्म को काफी मानते थे, बौद्ध धर्म उन्हें काफी पसंद था। हर्षवर्धन की आगे वाली स्टोरी हम बात करेंगे, लेकिन क्या है कि वो सारा मध्यकालीन भारत के इतिहास में आ जाएगा। लेकिन हम यहां पर थोड़ा सा टेल छोड़ देते हैं क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में वो चीजें आपके काम आएगी। हर्ष के बताए जाते हैं कि दो पुत्र थे, शायद दत्तक पुत्र थे, एक का नाम था चक्रायुध और दूसरे पुत्र का नाम था इंद्रायुध। हर्ष ने मरने से पहले दोनों में से किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया था। अब आप सोचिए कि पिता मरने से पहले अगर अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा न करके जाए तो भाइयों में आपसी लड़ाई तो होगी, और भाइयों में जब आपसी लड़ाई होती है तो बाहर वाले फायदा उठाते हैं। तो देखते हैं इंद्रायुध और चक्रायुध की आपसी लड़ाई का फायदा बाहर वाले उठा पाते हैं या नहीं, या यूं कहें तो भारत पर जो मुस्लिम सत्ता का आक्रमण होगा कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास को ले डूबेगा। हालांकि इंद्रायुध और चक्रायुध के अधीन कुछ सामंत हैं, वो सामंत इनका फायदा जरूर उठाने की कोशिश करेंगे, और वो सामंत दो थे जो सीधे सीधे हर्ष के अधीन थे, और वो थे राजपूताना में गुर्जर प्रतिहार और बंगाल में थे पाल, और तीसरी शक्ति भी इसमें इन्वॉल्व हुई जिसे दक्कन की राष्ट्रकूट कहते हैं। इन तीनों शक्तियों की नजर कन्नौज पर थी, कन्नौज पर यानी हर्षवर्धन की गद्दी पर, और ये तीनों शक्तियां जब आपस में लड़ेगी ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं भारत की अखंडता को ठेस पहुंचेगी। तो इसी विचार के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
क्योंकि इस वीडियो को लंबा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि यहां से मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। तो फिलहाल के लिए थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।